अलैकुम, आप लोग कैसे हो? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आज मैं बना रही हूँ डाइट चिकन, जो वेट लूज में लोग खा सकें, वैसे टाइप का डाइट चिकन। ये आधा केजी चिकन लिया है मैंने, प्याज चॉपिंग किया। प्याज का कटिंग ऐसे करना है, टमाटर भी कट कर चुकी हूँ, और अदरक लहसुन का अदरक को सॉरी अदरक को हमने ऐसे कर कट करके रख दिए हैं। ये धनिया पत्ता है, ये दही है, और अभी मसाला जो हम बहुत कम देंगे, स्वाद अनुसार नमक है। ये मेरा होममेड मसाला, जो इसमें मिर्ची उर्ची सब ऐड है, हल्दी है और धनिया पाउडर है, थोड़ा सा चिकन मसाला ली हूँ, दही है, और मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँगी। आप रिफाइंड में ही बना सकते हो। मस्टर्ड ऑयल वेट लूज के लिए अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसकी वजह से मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँगी। अभी कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए चढ़ा चुकी हूँ, गैस चालू करूँगी, इसमें ऑयल दूँगी। ऑयल हमको ध्यान रखना है, वेट लूज डाइट चिकन बना रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत ही कम देंगे ऑयल। इतने ऑयल में चिकन को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अभी मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने देंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन को ही डालेंगे। अभी ऑयल में मिक्स करेंगे। ये बोनलेस में बहुत अच्छा बनता है, और भी अच्छा बनता है, मैंने बोन वाला ही लिया है। अभी हमारा गैस जो है हाई में है, अब इसमें हम दही डालेंगे। दही 100 ग्राम है या 150 ग्राम तक दही है। अभी दही को मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हाफ चम्मच ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। आप उसे खा लीजिए ना। अभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट दे चुके हैं, उसमें अभी ये चिकन का पानी निकलेगा, ये पानी में चिकन को अच्छे से पकने देंगे। स्लो कर देंगे गैस को, 15 मिनट तक पकेगा, फिर उसके बाद बाकी जो मसाले देंगे हम। ये देखिए अभी चिकन हमारा पक रहा है, पका नहीं है। अभी जो चिकन का पानी निकल रहा है, इसी में ही चिकन पकेगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं दिए हैं, क्योंकि डाइट चिकन है। अभी आप ये आप गैस को बहुत स्लो में रखिए, अपने आप पकने दीजिए और गैस को कवर कर दीजिए। अभी देखिए हमारा चिकन में पानी सूख के आया भी। अभी हम इसमें जो नमक, स्वाद अनुसार नमक, और जो भी थोड़े थोड़े सब चीज़ का मसाला जो लिए हुए हैं, सिर्फ गरम मसाला नहीं देना है और अच्छा गरम मसाला भी नहीं देना है, इसमें बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा देना है, वो अभी हम दे देंगे। अब इसमें हम जो लहसुन का बनाए थे ना, वो भी हम डालेंगे, फिर अभी अच्छे से तो ये होने देंगे, मिक्स करेंगे। अभी हमको प्याज डालना है इसमें, और टमाटर भी दे देते हैं।
अभी जो हम इसमें दही दिए हैं ना, आप दही के जगह में ना लेमन लेम्बू भी दे सकते हैं, लेमन भी दे सकते हैं, लेमन का रस, दो लेमन का रस दे सकते हैं, मगर मैं लेमन का रस नहीं दे के दही दिए हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। अभी हम प्याज और टमाटर को मिक्स कर चुके हैं। इसमें टमाटर और प्याज ज़्यादा देने देते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हम प्याज और टमाटर डालने के बाद चिकन मतलब प्याज भी पक रही है और टमाटर और नीचे थोड़ा थोड़ा लगेगी क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो अब धीमे में पकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टमाटर भी हमारा गल चुका है और प्याज भी पक चुका है, मगर अभी हमको इतना ही पकाना है क्योंकि प्याज थोड़ा रहता है ना, तो रोटी या आप जो रोटी के साथ खाते हो ना वो अच्छा लगता है ऐसे। और इसमें आप चाहो तो सब्जी कुछ ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इसमें हम धनिया को आप ऐसे ही डाल सकते हो, मतलब धनिया लेके। अभी हम धनिया को पीस के डालेंगे, ग्राइंड करके, दोनों टाइप का कर सकते हो मगर मैं ग्राइंड करके डाल रही हूँ। ये देखिए पेस्ट बन चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए हम धनिया का पेस्ट डाल चुके हैं और देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा पक चुका है। यहाँ भी अभी हम इसको ऑलमोस्ट मतलब हमारा एक मिनट से पकाना है, पूरा पक चुका है। एक मिनट धनिया का जो पेस्ट बना के दिया वो जो लिक्विड है वो सूख, एक मिनट पकना है ऐसे। अभी आप देखिए बन के हमारा पूरा रेडी हो चुका है। और एक चीज़ ये जो डाइट वाला चिकन है वेट, ये चिकन को हम जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, वो मसाला वाला स्पाइसी नहीं खा पा रहा है, और जैसे कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ये चिकन बना के खा सकता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाया है पहली बार, और जैसे कि कोई मसाला नहीं दिया गया, गरम मसाला ज़्यादा नहीं दिया गया, सिर्फ ये टमाटर कांदा ज़्यादा दिया गया, ऑयल बहुत कम दिया गया। धनिया पाउडर वो अच्छा होता है हेल्थ वाइज, धनिया पाउडर अच्छा होता है। वो मिर्ची आप मिर्ची पाउडर जैसे कि कोई बीमार है तो मिर्ची का जो पाउडर है वो आप स्किप कर सकते हो, हल्दी तो आप दे सकते हो, और नमक तो स्वाद अनुसार जैसे डॉक्टर बताता है वो दे के आप खिला सकते हो, मगर ये आप ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी लगता है, लाजवाब लगता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।